एडिशन जमा कीजिए, सॉल्व हल कीजिए, लुक एट द गिवन नंबर्स दिए गए अदाद को देखिए, 43 + 12, 43 + 12 = 42. फर्स्ट वी एड वंस, सबसे पहले हम इकाइयों को जमा करते हैं. हियर वी हैव 3 and 2. यहाँ हमारे पास अदाद 3 और 2 हैं. ड्रॉ 3 lines फॉर नंबर 3 and 2 lines फॉर नंबर 2. अदद 3 के लिए 3 लकीरें लगाइए और अदद 2 के लिए 2 लकीरें लगाइए. नाउ काउंट दीज लाइंस, आप इन लकीरों को गिनिए. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So the sum of ones is 5 and we shall write this under the ones column. इकाइयों का मजमुआ 5 है और हम इसे इकाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे. Now add tens. अब दहाइयों को जमा करें. Here we have 4 and 1. यहाँ हमारे पास अदाद 4 और 1 है. Draw 4 lines for number 4 and 1 line for number 1. अदाद 4 के लिए 4 लकीरें लगाइए और अदद 1 के लिए 1 लकीर लगाइए. 4 + 1. Now count these lines. आप इन लकीरों को गिनिए. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So the sum of tens is 5 and we shall write this under the tens column. दहाइयों का मजमुआ 5 है और हम इसे दहाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे. So the answer is 55. लिहाजा जवाब 55 है. Look at the given numbers. दिए गए अदाद को देखिए. 33 + 66. 33 + 66. First we add ones. सबसे पहले हम इकाइयों को जमा करते हैं. Here we have 3 and 6. यहाँ हमारे पास अदाद 3 और 6 हैं. Draw 3 lines for number 3 and 6 lines for number 6. अदाद 3 के लिए 3 लकीरें लगाइए और अदाद 6 के लिए 6 लकीरें लगाइए. 3 + 6. Now count these lines. आप इन लकीरों को गिनिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the sum of ones is 9 and we shall write this under the ones column. इकाइयों का मजमुआ 9 है और हम इसे इकाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे. Now add tens. अब दहाइयों को जमा कीजिए. Here we have 3 and 6. यहाँ हमारे पास अदाद 3 और 6 हैं. Draw 3 lines for number 3 and 6 lines for number 6. अदाद 3 के लिए 3 लकीरें लगाइए और अदाद 6 के लिए 6 लकीरें लगाइए. 3 + 6. Now count these lines. आप इन लकीरों को गिनिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the sum of tens is 9 and we shall write this under the tens column. दहाइयों का मजमुआ 9 है और हम इसे दहाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे. So the answer is 99. लिहाजा जवाब 99 है. Look at the given numbers. दिए गए अदाद को देखिए. 24 + 31. 24 + 31.
first we add ones. सबसे पहले हम इकाइयों को जमा करते हैं. Here we have 4 and 1. यहाँ हमारे पास अदाद 4 और 1 हैं. Draw 4 lines for number 4 and 1 line for number 1. अदद 4 के लिए 4 लकीरें लगाइए और अदद 1 के लिए 1 लकीर लगाइए. Now count these lines. अब इन लकीरों को गिनिए. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So the sum of ones is 5 and we shall write this under the ones column. इकाइयों का मजमुआ 5 है और हम इसे इकाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे. Now add tens. अब दहाइयों को जमा करते हैं. Here we have 2 and 3. यहाँ हमारे पास अदाद 2 और 3 है. Draw 2 lines for number 2 and 3 lines for number 3. अदद 2 के लिए 2 लकीरें लगाइए और अदद 3 के लिए 3 लकीरें लगाइए. Now count these lines. अब इन लकीरों को गिनिए. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So the sum of tens is 5 and we shall write this under the tens column. दहाइयों का मजमुआ 5 है और हम इसे दहाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे. So the answer is 55. लिहाजा जवाब 55 है. Look at the given numbers. दिए गए अदाद को देखिए. 55 plus 22. 55 जमा 22. First we add ones. सबसे पहले हम इकाइयों को जमा करते हैं. Here we have 5 and 2. यहाँ हमारे पास अदाद 5 और 2 हैं. Draw 5 lines for number 5 and 2 lines for number 2. अदद 5 के लिए 5 लकीरें लगाइए और अदद 2 के लिए 2 लकीरें लगाइए. Now count these lines. अब इन लकीरों को गिनिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the sum of ones is 7 and we shall write this under the ones column. इकाइयों का मजमुआ 7 है और हम इसे इकाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे. Now add tens. अब दहाइयों को जमा कीजिए. Here we have 5 and 2. यहाँ हमारे पास अदाद 5 और 2 हैं. Draw 5 lines for number 5 and 2 lines for number 2. अदद 5 के लिए 5 लकीरें लगाइए और अदद 2 के लिए 2 लकीरें लगाइए. Now count these lines. अब इन लकीरों को गिनिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the sum of tens is 7. And we shall write this under the tens column. दहाइयों का मजमुआ 7 है और हम इसे दहाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे. So the answer is 77. लिहाजा जवाब 77 है. Look at the given numbers. दिए गए अदाद को देखिए. 42 plus 10. 42 जमा 10. First we add ones. सबसे पहले हम इकाइयों को जमा करते हैं. Here we have 2 and 0. यहाँ हमारे पास अदाद 2 और 0 है. Draw 2 lines for number 2 and no line for number 0. अदद 2 के लिए 2 लकीरें लगाइए और अदद 0 के लिए कोई लकीर नहीं लगाएंगे. Now count these lines. अब इन लकीरों को गिनिए. 1, 2. 1, 2. So the sum of ones is 2 and we shall write this under the ones column.
इकाइयों का मजमुआ 2 है और हम इसे इकाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे। Now add tens, आप दहाइयों को जमा कीजिए। Here we have 4 and 1, यहाँ हमारे पास अदाद 4 और 1 है। Draw 4 lines for number 4 and 1 line for number 1. अदद 4 के लिए 4 लकीरें लगाइए और अदद 1 के लिए 1 लकीर लगाइए। 4 plus 1. Now count these lines. अब इन लकीरों को गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So the sum of tens is 5 and we shall write this under the tens column. दहाइयों का मजमुआ 5 है और हम इसे दहाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे। So the answer is 52. लिहाजा जवाब 52 है। Look at the given numbers. दिए गए अदाद को देखिए। 13 plus 15. 13 जमा 15. First we add ones. सबसे पहले हम इकाइयों को जमा करते हैं। Here we have 3 and 5. यहाँ हमारे पास अदाद 3 और 5 हैं। Draw 3 lines for number 3 and 5 lines for number 5. अदाद 3 के लिए 3 लकीरें लगाइए और अदाद 5 के लिए 5 लकीरें लगाइए। 3 plus 5. Now count these lines. आप इन लकीरों को गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the sum of ones is 8 and we shall write this under the ones column. इकाइयों का मजमुआ 8 है और हम इसे इकाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे। Now add tens. अब दहाइयों को जमा करें। Here we have 1 and 1. यहाँ हमारे पास अदाद 1 और 1 हैं। Draw 1 line for number 1 and 1 line for number 1. अदद 1 के लिए 1 लकीर लगाइए और अदद 1 के लिए 1 लकीर लगाइए। 1 plus 1. Now count these lines. अब इन लकीरों को गिनिए। 1, 2, 1, 2. So the sum of tens is 2 and we shall write this under the tens column. दहाइयों का मजमुआ 2 है और हम इसे दहाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे। So the answer is 28. लिहाजा जवाब 28 है। Look at the given numbers. दिए गए अदाद को देखिए। 27 plus 62, 27 जमा 62. First we add ones. सबसे पहले हम इकाइयों को जमा करते हैं। Draw 7 lines for number 7 and 2 lines for number 2. अदद 7 के लिए 7 लकीरें लगाइए और अदद 2 के लिए 2 लकीरें लगाइए। Now count these lines. अब इन लकीरों को गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the sum of ones is 9 and we shall write this under the ones column. इकाइयों का मजमुआ 9 है और हम इसे इकाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे। Now add tens. अब दहाइयों को जमा कीजिए। Here we have 2 and 6. यहाँ हमारे पास अदाद 2 और 6 हैं। Draw 2 lines for number 2 and 6 lines for number 6. अदाद 2 के लिए 2 लकीरें लगाइए और अदाद 6 के लिए 6 लकीरें लगाइए। 2 plus 6. Now count these lines. आप इन लकीरों को गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the sum of tens is 8 and we shall write this under the tens column. दहाइयों का मजमुआ 8 है और हम इसे दहाइयों के कॉलम के नीचे
लिखेंगे। सो द आंसर इज 89। लिहाजा जवाब 89 है। लुक एट द गिवन नंबर्स, दिए गए अदाद को देखिए। 32 प्लस 15 32 जमा 15। फर्स्ट वी एड वंस, सबसे पहले हम इकाइयों को जमा करते हैं। हियर वी हैव 2 एंड 5, यहाँ हमारे पास अदाद 2 और 5 हैं। ड्रॉ 2 लाइंस फॉर नंबर 2 एंड 5 लाइंस फॉर नंबर 5। अदद 2 के लिए 2 लकीरें लगाइए और अदद 5 के लिए 5 लकीरें लगाइए। 2 प्लस 5, नाउ काउंट दीज लाइंस, अब इन लकीरों को गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। So the sum of ones is 7 and we shall write this under the ones column. इकाइयों का मजमूआ 7 है और हम इसे इकाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे। Now add tens, अब दहाइयों को जमा कीजिए। Here we have 3 and 1, यहाँ हमारे पास अदाद 3 और 1 है। Draw 3 lines for number 3 and 1 line for number 1. अदद 3 के लिए 3 लकीरें लगाइए और अदद 1 के लिए 1 लकीर लगाइए। 3 plus 1, now count these lines, अब इन लकीरों को गिनिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। So the sum of tens is 4 and we shall write this under the tens column. दहाइयों का मजमूआ 4 है और हम इसे दहाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे। So the answer is 47. लिहाजा जवाब 47 है। Look at the given numbers, दिए गए अदाद को देखिए। 23 plus 61, 23 जमा 61। First we add ones, सबसे पहले हम इकाइयों को जमा करते हैं। Here we have 3 and 1, यहाँ हमारे पास अदाद 3 और 1 हैं। Draw 3 lines for number 3 and 1 line for number 1. अदद 3 के लिए 3 लकीरें लगाइए और अदद 1 के लिए 1 लकीर लगाइए। 3 plus 1, now count these lines, अब इन लकीरों को गिनिए। So the sum of ones is 4 and we shall write this under the ones column. इकाइयों का मजमूआ 4 है और हम इसे इकाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे। Now add tens, अब दहाइयों को जमा कीजिए। Here we have 2 and 6. Draw 2 lines for number 2 and 6 lines for number 6. अदद 2 के लिए 2 लकीरें लगाइए और अदद 6 के लिए 6 लकीरें लगाइए। Now count these lines, अब इन लकीरों को गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। So the sum of tens is 8 and we shall write this under the tens column. दहाइयों का मजमूआ 8 है और हम इसे दहाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे। So the answer is 84. लिहाजा जवाब 84 है। Look at the given numbers, दिए गए अदाद को देखिए। 42 plus 13, 42 जमा 13। First we add ones, सबसे पहले हम इकाइयों को जमा करते हैं। Here we have 2 and 3, यहाँ हमारे पास अदाद 2 और 3 है। Draw 2 lines for number 2 and 3 lines for number 3. अदद 2 के लिए 2 लकीरें लगाइए और अदद 3 के लिए 3 लकीरें लगाइए। 2 plus 3, now count these lines, अब इन लकीरों को गिनिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
So the sum of ones is 5. And we shall write this under the ones column. इकाइयों का मजमुआ 5 है और हम इसे इकाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे. Now add tens. अब दहाइयों को जमा कीजिए. Here we have 4 and 1. यहाँ हमारे पास आदाद 4 और 1 है. Draw 4 lines for number 4 and 1 line for number 1. आदाद 4 के लिए 4 लकीरें लगाइए और आदाद 1 के लिए 1 लकीर लगाइए. Now we count these lines. अब इन लकीरों को गिनिए. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So the sum of tens is 5. And we shall write this under the tens column. दहाइयों का मजमुआ 5 है. और हम इसे दहाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे. So the answer is 55. लिहाजा जवाब 55 है. Look at the given numbers. दिए गए आदाद को देखिए. 52 plus 21. 52 जमा 21. First we add ones. सबसे पहले हम इकाइयों को जमा करते हैं. Here we have 2 and 1. यहाँ हमारे पास आदाद 2 और 1 है. Draw 2 lines for number 2 and 1 line for number 1. आदाद 2 के लिए 2 लकीरें लगाइए और आदाद 1 के लिए 1 लकीर लगाइए. 2 plus 1. Now count these lines. अब इन लकीरों को गिनिए. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So the sum of ones is 3. And we shall write this under the ones column. इकाइयों का मजमुआ 3 है और हम इसे इकाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे. Now add tens. आप दहाइयों को जमा कीजिए. Here we have 5 and 2. यहाँ हमारे पास आदाद 5 और 2 हैं. Draw 5 lines for number 5 and 2 lines for number 2. आदाद 5 के लिए 5 लकीरें लगाइए और आदाद 2 के लिए 2 लकीरें लगाइए. 5 plus 2. Now count these lines. आप इन लकीरों को गिनिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the sum of tens is 7 and we shall write this under the tens column. दहाइयों का मजमुआ 7 है और हम इसे दहाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे. So the answer is 73. लिहाजा जवाब 73 है. Look at the given numbers. दिए गए आदाद को देखिए. 22 plus 13. 22 जमा 13. First we add ones. सबसे पहले हम इकाइयों को जमा करते हैं. Here we have 2 and 3. यहाँ हमारे पास आदाद 2 और 3 है. Draw 2 lines for number 2 and 3 lines for number 3. आदाद 2 के लिए 2 लकीरें लगाइए और आदाद 3 के लिए 3 लकीरें लगाइए. 2 plus 3. Now count these lines. आप इन लकीरों को गिनिए. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So the sum of ones is 5 and we shall write this under the ones column. इकाइयों का मजमुआ 5 है और हम इसे इकाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे. Now add tens. अब दहाइयों को जमा कीजिए. Here we have 2 and 1. यहाँ हमारे पास आदाद 2 और 1 है. Draw 2 lines for number 2 and 1 line for number 1. आदाद 2 के लिए 2 लकीरें लगाइए और आदाद 1 के लिए 1 लकीर लगाइए. 2 plus 1. Now count these lines. आप इन लकीरों को गिनिए. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So the sum of tens is 3 and we shall write this under the tens column.
दहाइयों का मजमुआ 3 है और हम इसे दहाइयों के कॉलम के नीचे लिखेंगे। सो द आंसर इज 35। लिहाजा जवाब 35 है।